राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए नई सरकार का रोडमैप रखा। सरकार के एजेंडे में हर हाथ को काम देने और महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ साथ अल्पसंख्यकों का विकास और बराबरी का हिस्सा देने की बात कही गई है। सरकार की प्राथमिकताओं में महंगाई दूर करना भी शामिल है। सरकार किसानों को लाभकारी दाम दिलाने से लेकर कई और सुविधाओं पर आगे बढ़ेगी और कालाबाजारी पर सख्ती से निपटने और अंकुश लगाने की बात भी कही गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की कई प्राथमिकताओं का खुलासा किया। उन्होंने देश के लोगों को मजबूत सरकार चुनने पर बधाई दी और दोबारा महिला लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने को अच्छा संकेत बताया। माय गवर्नमेंट इज कमिटेड टू नर्चरिंग द राइट एनवायरनमेंट ऑफ एक्चुअलाइजिंग दिस मैंडेट ऑफ द पीपल। फॉर दिस इट प्लेजेस इटसेल्फ टू द प्रिंसिपल ऑफ सबका साथ सबका विकास। माय गवर्नमेंट विल फंक्शन ऑन द मंत्र ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता और भूख की कोई जात नहीं होती। विकास पर पहला हक गरीब का है। उन्होंने महंगाई और कालाबाजारी के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की बात कही। कंटेनिंग फूड इन्फ्लेशन will be the topmost priority for my government. There would be an emphasis on improving the supply side of various agro and agro-based products. My government will take effective steps to prevent hoarding and black marketing. राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाएगी। उन्होंने कृषि बुनियादी ढांचे में सरकारी और निजी निवेश बढ़ाने के साथ कृषि उपज का वाजिब मूल्य और कई दूसरे मसलों पर ध्यान देने की बात भी कही। किसानों को नई सुविधाएं मुहैया कराने के साथ सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना आरम्भ होगी। राष्ट्रपति ने जल संचय पर भी जोर दिया। It will increase investment in agriculture, both public and private. Each drop of water is precious. My government is committed to giving high priority to water security by harvesting rainwater through Jal Sanchay and Jal Sinchan. We will nurture water conservation and groundwater recharge. राष्ट्रपति ने युवा विकास और नई शिक्षा नीति की बात कही। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए सरकार कई बदलाव करेगी। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अल्पसंख्यकों को विकास और बराबरी का हिस्सा देने की बात कही और महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात भी कही। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए व्यापक जन अभियान शुरू किया जाएगा। The important role our women play in the development of our society and growth of the nation. It is a commitment to providing 33% reservation to them in the parliament and state legislative assembly. राष्ट्रपति ने बेहतर प्रशासन के लिए सरकार का संकल्प दर्शाया और भ्रष्टाचार और काले धन जैसी बुराई से छुटकारा दिलाने की भी बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना बड़ा काम है। इंस्टॉलेशन ऑफ लोकपाल इज इम्पोर्टेंट टू कर्ब करप्शन एंड माय गवर्नमेंट विल एंडेवर टू फॉर्मुलेट रूल्स इन कन्फॉर्मिटी विद द एक्ट। My government will take steps to build the confidence and morale of our civil bureaucracy, enabling it with the freedom of work and welcoming innovative ideas. The government will stress on putting in place transparent systems and time-bound delivery of government services.
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में रेलवे के विकास और आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचा सुधार एजेंडे में रेलवे के आधुनिकीकरण और नवीकरण का कार्य सबसे ऊपर है। मेरी सरकार हाई स्पीड ट्रेनों की हीरक चतुर्भुज परियोजना शुरू करेगी। देश में विशेष कृषि रेल नेटवर्क वाले फ्रेट गलियारे होंगे। रेलों में निवेश में वृद्धि लाई जाएगी। साथ ही गंगा सफाई योजना की भी खूबियां उन्होंने बताई। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। इसी तरह भारत पड़ोसी देशों के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध का पक्षधर रहेगा। Which is civilizational roots and heritage is based on the principles of developing peaceful and friendly relations with all countries. We will pursue our international engagement based on enlightened national interest, combining the strength of our values with pragmatism, leading to a doctrine of mutually beneficial relationship. My government is committed to building a strong, self-reliant and self-confident India regarding its rightful place in the Committee of Nations. इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन समेत केंद्र सरकार के मंत्रियों समेत दोनों सदनों के सांसद मौजूद थे। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जनाकांक्षाओं के अनुरूप बहुत सारी बातें कही हैं और सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाया है, लेकिन देखना है ये सारी बातें जमीन पर कितना खरा उतरती है। कैमरन सुरेश के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अलग अलग राजनीतिक दलों की क्या राय रही। राष्ट्रपति के पूरे अभिभाषण में जहां जनता का अभिनंदन किया गया है, देश की जो कमजोर आर्थिक स्थिति है उसकी ओर संकेत किया गया है और भारत को बनाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है, हम काम करेंगे। शुरुआत है, बहुत से हाई प्रॉमिसेस किए गए हैं, अभी देखना है कि वो कैसा इम्प्लीमेंट करेंगे। और बहुत से चीजें जो हमारी यूपी ने भी किया था इसी को रिपीट किया गया है। अभी बहुत से फिरके हैं, सबसे पहले गरीब से गरीब के फिरके से शुरू करें, जिनको कि वो मौके नहीं मिलेंगे जो मिसाल के तौर पर मुझे मिले। तो ये कहना कि मैं सबके लिए करूंगा बिना एक बताए कि खास इस फिरके के लिए क्या करूंगा, उस फिरके के लिए क्या करूंगा, इसका मतलब है कि इसको नजरअंदाज कर जो इनके मित्र हैं उनको आगे बढ़ावा देंगे। जो समस्याएं हैं सबों का जो दर्द है वो दूर हो, सरकार को साफ लफ्जों में साफ लहजों में आकर के ये कहना चाहिए कि देश के अल्पसंख्यक, देश के मुसलमान भाई इस देश में सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। प्रेजिडेंट एड्रेस है जिसमें तकरीबन सारे मुद्दों को, पूरे मुल्क के मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। एक नक्शा खींचा गया है जहां कश्मीरी पंडित की वापसी की बात भी की है, बहुत अच्छी बात है। पर हमने अभी आज एक अमेंडमेंट दिया है कि जम्मू कश्मीर का जो इशू है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए विद इन द पैरामीटर्स ऑफ इंसानियत, जमहूरियत एंड कश्मीरियत, विच इज मिसिंग फ्रॉम द प्रेजिडेंट्स एड्रेस। जो आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार की ओर से जो अभिभाषण रखा है या सरकार के जो एजेंडे हैं वो जो रखे हैं, ये सारे वही एजेंडे हैं जो इन्होंने अपने चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में रखे थे। तो इन्होंने आज अपना पूरा एजेंडा जो है महामहिम राष्ट्रपति जी के जरिए पूरा एजेंडा देशवासियों के सामने रख दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार का एजेंडा सामने आया है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंटेशन की चुनौती है। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं संजय जायसवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जायसवाल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आज जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मुद्दों की शुरुआत हुई, एजेंडे की शुरुआत हुई, गरीबी मिटाने से शुरू हुआ और देश के दूसरे देशों के साथ संबंध सुधारने पर जाके खत्म हुआ, लेकिन एक नज़र अगर हम देखें, गरीबी मिटाओ, पीडीएस रिफॉर्म,
एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी बढ़ाने, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च, हेल्थ सबके लिए, एससी एसटी ओबीसी को सुविधाएं देना, माइनॉरिटी में गरीबी है उसकी तरफ ध्यान दिलाया, चाइल्ड गर्ल चाइल्ड पे, ई गवर्नेंस पे, जुडिशियल रिफॉर्म पे और इस तरह से तकरीबन 15-16 जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है उस पर सब पे ध्यान दिलाया गया। मेरा सवाल ये है कि इसको देख के और यूपीए 2 की जो प्रतिभा पाटिल ने भाषण दिया था यूपीए 2 के एजेंडा गिनाते हुए, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, तो क्या आप कहेंगे कि नीतियाँ समान हैं, केवल उस पर चलने का जो रास्ता है वो अलग होगा आपका? नहीं, चलने का रास्ता भी अलग होगा और नीतियाँ भी समान नहीं हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पर, स्किल पर, गांवों में कृषि के विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा अंतर होगा, जैसे प्रतिभा पाटिल जी माननीय महामहिम ने जो कहा था उसमें, उन्होंने उस समय 2009 में, मैं भी सांसद था, मुझे याद है, उन्होंने काले धन वापसी के लिए कहा था, वन रैंक वन पेंशन के लिए कहा था, लेकिन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जो खुद उन्होंने प्रधान माननीय राष्ट्रपति जी से कहलवाया। हमारे यहाँ यह जरूर अंतर आप है। आप ये कह रहे हैं कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर सत्यव्रत जी से पूछूंगी कि क्या कि ध्यान दिया गया और काले धन को वापस लाने के लिए कितने देशों के साथ ट्रीटी की गई, क्या पहल की गई, इस पर कांग्रेस ज्यादा बेहतर तरीके से बताएगी। बिल्कुल, लेकिन वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे और मुझे पूरा विश्वास है, 5 वर्षों में हम लोगों ने 2022 का लक्ष्य रखा है कि हम गरीबी खत्म कर देंगे और हर व्यक्ति को मकान, बेसिक सुविधा जो बिजली की होती है, पानी की होती है, वह सब प्रोवाइड करेंगे और यह सरकार उस दिशा में बढ़ेगी। और वह बिना 27 करोड़ कम से कम अभी ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, वो गरीबी रेखा जिसको कि कई बार चैलेंज किया जाता रहा है कि ये पैमाना सही है या नहीं है, क्योंकि अगर 27 रुपये या 28 रुपये कमाने वाला आदमी गरीब है तो क्या 29 रुपये कमाने वाला अमीर हो गया, इस बात को लेकर बार बार चैलेंज किया जाता रहा, उस पैमाने को चैलेंज किया जाता रहा, उसके बावजूद मैं कह रही हूँ 27 करोड़ लोग अभी गरीब हैं, क्या उन सबको आप लोग गरीबी के पैमाने से ऊपर ले आ देंगे? बिल्कुल, हमारा पूरा यह लक्ष्य ही रखा गया है और उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट है, जिस पर यह सरकार पूरी तरह से ध्यान देगी। और 10 दिनों में जिस तरह से हम बढ़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब चीज़ पाया जा सकता है, बशर्ते सरकार की इच्छा शक्ति हो। और इस सरकार जिस आप ये कह रहे हैं कि 10 दिनों में जो जिस रास्ते को अपनाकर सरकार चली है वो आने वाले 60 महीनों में भरपूर उसको पूरा कर पाएगी। बिल्कुल पूरा, आपको विश्वास है कि सरकार जो वादे आज की है, तकरीबन 50 से ज्यादा वादे किए गए हैं, वो पूरे हो पाएंगे 60 महीने में? अमृता, अभी अभी हम लोग चुनाव से आए, चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश भर में जनता के बीच में जाके कही, वायदे किए, उनका अपना लिखित घोषणा पत्र भी है। अब इस दस्तावेज को उठा के आप देख लीजिए जो आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है। राष्ट्रपति का अभिभाषण मतलब नियत और नीति का दस्तावेज सरकार का, ठीक। पूरे देश के लोग इस बात पर नजर गड़ाए बैठे थे कि हम देखें तो कि इस दस्तावेज में ये सरकार हमारे लिए क्या नियत रखती है, क्या प्रोग्राम लेके आती है। मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये दस्तावेज, आज का अभिभाषण और पिछले 2 सालों का जो यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण था, दोनों को उठा दीजिए, कहीं कहीं तो पैरा के शब्द ज्यों के त्यों हैं। 80% में आज मैंने बड़े गौर से मैंने देखा, जो 2-4 अलग बातें हैं वो मैं बता दूं आपको। हाँ, 2-4 बातें अलग हैं। बनाने की बात कही है, 50 टूरिस्ट हब बनाने की बात कही है, 100 नए शहर बनाने की बात कही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही है, कुछ नई चीजें हैं। अमृता, ये 3-4 चीजों में मैं आ रहा हूँ अभी। 80% से ज्यादा चीजें वही रिपीट करी गई हैं जो पिछले राष्ट्रपति के अभिभाषणों में जो नहीं रिपीट की गई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो चुनाव के दौरान कही गई उनके ऊपर ये सरकार और ये दस्तावेज पूरी तरह खामोश है। वो महत्वपूर्ण बातें जिनको लेके जनता को आंदोलित किया गया, जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन उन अच्छे दिनों का कोई रोड मैप इसमें नहीं दिया गया। गरीबी मिटाना भी तो अच्छे, एक मिनट, चुनाव सुधार की बहुत बात की गई थी इस चुनाव के दौरान भी और उसके पहले भी, चुनाव सुधार का जिक्र तक कहीं नहीं है। महंगाई हटा देंगे इसका कह दिया गया सरसरे तौर पर कैसे महंगाई हटाएंगे, क्या व्यवस्था लाएंगे, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है।
डीजल पेट्रोल के लिए कहा जाता था कि अगर सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दे केंद्र सरकार तो 15 से 20 रुपया प्रति लीटर डीजल सस्ता हो सकता है। उसका डीजल की और पेट्रोल की कीमतों का इस पूरे दस्तावेज में कहीं कोई जिक्र नहीं है। सेतु समुद्रम परियोजना इन्होंने बनाई थी, हमने आगे बढ़ाई, विरोध किया इन्होंने, सेतु समुद्रम पर एक शब्द कहीं इसके अंदर नहीं कहा गया। भारत और अमेरिका का जो परमाणु समझौता हुआ था उस समझौते का विरोध किया था इन्होंने, उसका समर्थन किया गया, उनका इनका विरोध किया था, हमारे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया था। अब ये सरकार में आ गए हैं, पूर्ण बहुमत में हैं, उस परमाणु समझौते का क्या भविष्य होगा इसके बारे में कोई एक शब्द नहीं, आपने जिस बात जब हम 7 वर्षों में इस न्यूक्लियर डील पे आपने क्या किया आप ही बता दीजिए ना कि इसमें कौन सा आपने परमाणु ऊर्जा केंद्र शुरू किया। मुझे मेरे मित्र जब आप बोल रहे थे मैंने तो एक शब्द नहीं बोला, अब मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए। भारत परमाणु समझौते का बात, मुफ्त इलाज की बात इनके घोषणा पत्र में कही गई सभी के नागरिकों के, इस दस्तावेज में मुफ्त इलाज का सबको स्वास्थ्य की बात तो कही गई है। सबको स्वास्थ्य की बात करना ये तो पिछले बारे में भी था, कौन सा ऐसा राष्ट्रपति का अभिभाषण है जिसमें स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करी गई हो। इन्होंने मुफ्त इलाज सभी को देने की बात कही थी अपने घोषणा पत्र में, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। मुझे बताएं श्रीनगर से मुजफ्फराबाद बस जो सेवा शुरू की थी यूपीए सरकार ने, इन्होंने विरोध किया था सिक्योरिटी रीजन बता के, क्या वो चलेगी कि बंद हो जाएगी, कहीं कोई जिक्र नहीं इस बारे में। पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण संवेदनशील बिंदु पर एक लफ्ज नहीं कहा गया इस पूरे के पूरे राष्ट्रपति अभिभाषण में। 100 शहर बनाएंगे, इसका मतलब है 5 साल में 100 शहर का मतलब कि प्रतिवर्ष 20 शहर बनाएंगे, आधुनिकतम 20 शहर। ये सरकार ये तो बताए कि किस की कितनी लागत के एजेंडे की लिस्ट बहुत बड़ी है। ये होगा मुझे गंगा स्वच्छता अभियान, कोई टाइम फ्रेम नहीं, कोई कार्य योजना नहीं, राम मंदिर के मामले में खामोशी, अनुच्छेद 370 पे खामोशी, समान नागरिक संहिता पर खामोशी, गुजरात मॉडल क्या है इसका कहीं जिक्र नहीं है इसमें, गुजरात मॉडल को पूरे देश में बेचा गया यहाँ जिक्र करने की आपका एजेंडा बहुत लंबा है, राष्ट्रपति का अभिभाषण छोटा पड़ जाएगा जितने एजेंडे आपने, क्या भविष्य होगा इसके बारे में कोई जिक्र नहीं, खाद्य सुरक्षा का क्या करेंगे कोई जिक्र नहीं, खाद्य सुरक्षा का कैश ट्रांसफर का क्या होगा, आधार योजना का क्या होगा, ये वो तमाम योजनाएं हैं मनरेगा जिनकी आलोचना पिछले वर्षों में और चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी करती रही। इस चुनाव इस राष्ट्रपति अभिभाषण में स्वाभाविक रूप से हम ये उम्मीद करते थे कि इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिनको लेके आपने जनता के बीच गए हैं और जनता का जनादेश प्राप्त किया है उन पर आप क्या करने जा रहे हैं कम से कम स्पष्ट करिए, इसमें जिक्र तक नहीं किया। लेकिन लेकिन फिर भी एक क्योंकि नहीं मैं चाहती हूं कि पहले एक बार विनोद शर्मा जी से इस दोनों सवालों और जवाबों का जवाब ले लूं। विनोद शर्मा जी इसमें पॉलिटिकल संदेश आप क्या देते हैं, पूरा दस्तावेज लफाजी और जालसाजी है, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि दस्तावेज लफाजी है लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इससे हमारी नीयत झलकती है कि हम 5 साल में देश को एक बेहतर गवर्नमेंट बनकर दिखाएंगे, आप क्या समझते हैं इससे क्या पॉलिटिकल संदेश जा रहा है? देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो दस्तावेज है ये सरकार की तरफ से पहला आधिकारिक दस्तावेज है जी। मैनिफेस्टो जो होता है वो इलेक्शन के दौरान होता है, उसका रिफ्लेक्शन राष्ट्रपति के अभिभाषण में होता है, यहाँ भी पर्याप्त रूप से है, जितने स्लोगन मैनिफेस्टो में थे उनको दोबारा आज राष्ट्रपति के मुख से जनता तक पहुँचाया गया है। जो नई चीज़ इस दस्तावेज में है वो जो डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो उन्होंने बात की है, और दूसरी जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी कि वो उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को वो संलग्न करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जी। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हाई एंड रिसर्च है या नैनो टेक्नोलॉजी है या यू नो थोरियम टेक्नोलॉजी है या ब्रेन रिसर्च है, स्टेम सेल रिसर्च है, हिमालयन स्टडीज़ हैं, ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है मैं समझता हूँ इस दस्तावेज का। और इसमें हम ज़्यादा तफसील से सुनना चाहेंगे कि ये थोरियम टेस्ट पे जो रिसर्च करेंगे वो देखिए थोरियम का जो उपयोग है आणविक शक्ति के लिए वो भारत ने बहुत दिनों से कोशिश की है, बहुत वर्षों से, और कुछ हद तक उन्होंने सफलता भी पाई है।
और उस सफलता का श्रेय पिछली सरकारों को जाता है जिसमें कि यूपी की सरकार भी प्रमुख रूप से आती है। अब ये किस तरह से उसको पैराडाइम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इनके दस्तावेज में लिखा था कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद फिर बाद में कुछ स्पष्टीकरण आए कि कोई रेडिकल रिव्यू की बात नहीं है, वैसे उसको दोबारा देखेंगे और उसको इन सिंक विद द चेंजिंग टाइम्स लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो नए पहलू हैं इन पे ज़्यादा तफसील से सुनना चाहेंगे। अदरवाइज़ ये जो आज का अभिभाषण है इसमें सब बातें कही गई हैं जो कि मैनिफेस्टो में कही गई, इलेक्शन के दौरान कही गई। ये जो 100 शहर बसाने की बात है, गोल्डन क्वाड्रेंगल है, जो सड़कें बिछाने की बात है, जो फास्ट ट्रेन चलाने की बात है, ये सब बातें जो माननीय प्रधानमंत्री है वो अपने इलेक्शन के दौरान कह चुके हैं जी। लेकिन ये जो 100 सिटीज़ हैं, और मैं इससे एग्री करता हूँ सत्यव्रत जी से, कि जो 100 सिटीज़ हैं ये कैसे इस देश में बनेंगी जहाँ पर भूमि अधिकरण में इतनी पेचीदगी होती है। और दूसरा सवाल जो मैं उठाना चाहता हूँ कि सरकार बनने के बाद परस्पर ये कहा गया है कि अधिकारी लोग जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो काम ईमानदारी से करे, और उसको कोई अगर उस पर कोई आँच आएगी या उनको कोई गलती में कोई पकड़ने की कोशिश करेगा तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं स्वयं उसमें इंटरवीन करके और उस पर एक निर्णय करवाऊंगा और आपको इस पर कोई हानि नहीं होगी। लेकिन अगर ये बात चल रही है साथ साथ, और इसी एक ही ब्रेथ में पहले बात की कि लोकपाल की, और उसके बाद ये बात कहेगी कि भाई अधिकारी जो हैं उनको पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाएगा, काम कर सकेंगे, तो जो लोकपाल के जो रूल्स बनने वाले हैं उसके बारे में विस्तार से हम स्पष्टीकरण चाहेंगे कि क्या लोकपाल जो का जो स्वरूप होगा वो नई सरकार के तत्वावधान में वैसा ही होगा जैसा कि गुजरात के लोकायुक्त का था जी। या वैसा होगा जैसा कि यहाँ पर निर्णय लिया गया और जॉइंट कमेटी जो पार्लियामेंट की थी उसने जो फैसले लिए और एक बड़ी एजिटेशन चली, क्या स्वरूप होगा उसका जी, क्योंकि जी। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है जी। उसके लिए सिर्फ राजनीतिक समाज जिम्मेवार नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए तो सिविलियंस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उन पे भी बहुत भारी आरोप लगते हैं, और चूंकि वो परमानेंट होते हैं और वो सिस्टम को पॉलिटिशियन से ज्यादा समझते हैं, तो अपवाद हैं, ईमानदार लोग बहुत हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन जो लोग डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर को जगह देने का, थोरियम टेस्ट पर रिसर्च करने का, और जो उस सबसे बड़ा सवाल जो इस समय हाल के दिनों में देश में सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा रहा, लोकपाल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इन चारों पर बीजेपी ने क्या कोई एक रोड मैप बनाया है, कोई ब्लूप्रिंट बनाया है कि कैसे आगे चलना है? सबसे पहले तो मैं अमृता जी हस्तक्षेप न करना पड़े इसलिए मैंने कहा कि मैं उसके शुरू में ही कह लूं, फिर उसका भी जवाब दे दे। अब देखिए दो चीजों पर कैसा मजाक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जापान की मदद से ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है पिछले नहीं, कुछ वो तो हमने बात कर ली। उस वक्त नहीं नहीं हाँ। उस पर भी ये क्लेम कर रहे हैं कि अब ये शुरू करने नहीं, जा रहे हैं। वो तो हमने one शुरू rank, में ही कहा कि pension, जो जो वन रैंक वन पेंशन वाला डिफेंस सर्विसेज के लिए वन रैंक वन पेंशन का डिसीजन पिछली सरकार ले चुकी है, ये कहना चाह रहे हैं कि हम इनको लागू नहीं, हमने तो उसको पहले ही कह दिया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर काले धन पर इन्होंने ये नहीं बताया, हम काले धन पे आपसे जवाब, बाबा रामदेव को कब भेजने वाले हैं स्विट्जरलैंड, ये पहले तो अच्छे से पढ़ लें आप सत्यव्रत जी, क्योंकि यह भाषण शुरू ही होता है महंगाई से, भ्रष्टाचार मुक्ति से और पटरी पर अर्थव्यवस्था को लाने से। जब पटरी पर अर्थव्यवस्था आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगी और तरक्की होगी। दूसरी बात जो आपने उठाया, थोरियम इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है केरला के तट पर, और हम अपने इंडिजिनस जो सबसे ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया है माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वह है स्किल, अपनी टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट, और उसके लिए जब तक वो हम लोग अपना डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक यह देश तरक्की नहीं कर सकता है। बोलना अलग बात है, काम करना अलग बात है। वन रैंक वन पेंशन इन्होंने बोला 2009 में, लागू किया चुनाव से 2 महीने पहले इन्होंने उसकी लागू करने की बात कही। काले धन वापसी की भी बात इन्होंने 2009 में की, किस तरह से लागू किया ये जाने। इन्हीं के
प्रधानमंत्री कुछ करते हैं इनके युवराज फाड़ देते हैं कागज को, तो उसको कहना कि उससे और यह एक चीज है, सफल मैंडेट मिला है, जनता आपकी नियत पे भरोसा करना चाहती है, नियत पे भरोसा करती है, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं जो बड़ा सवाल है, दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल का जिक्र कहा, यह फिर से राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़े, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस स्टेट की जो योजनाएं अच्छी हैं उन सभी योजनाओं को हम लोग केंद्र सरकार में लेंगे और उनका पालन करेंगे। लेकिन ये गुजरात मॉडल हो गया, जिस गुजरात का ही मैक्सिमम है, जो अच्छी योजना है, सारी योजनाएं गुजरात मॉडल के अनुरूप है ना, सारे मंत्री जा रहे हैं स्टडी कर रहे हैं और वो पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बड़ा सवाल है, जो बड़ा सवाल है वो दो ही है, पहली बात जो लोकपाल को लेकर किस तरह से क्या नियम बदले जाएंगे या लोकपाल उसी स्वरूप में आएगा जिस स्वरूप में पहले था, पहले बिल बना था उसी स्वरूप में होगा या कोई उसका नया स्वरूप होगा, एक बड़ा सवाल है जो लगातार चर्चा का विषय पिछले कई सालों से हमारे देश में रहा। और जो दूसरा बड़ा सवाल है माइनॉरिटी के बारे में आप लोगों ने इंगित किया है, माइनॉरिटी को आप लोग मानते हैं कि जो जो गरीबी है वो माइनॉरिटी में ज़्यादा है और उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, उसमें आप लोगों ने केवल एक बात कही है और वो कही है कि हम मॉडर्न मदरसा मॉडर्नाइजेशन करेंगे, लेकिन क्यों ना माना जाए कि ये भी मुस्लिम तुष्टिकरण है। नहीं, पहली बात तो चर्चा गरीबी की हुई है, गरीबी माइनॉरिटी में भी हो सकती है, मेजॉरिटी में भी होती है, और इसमें गरीबी में अंतर करना कि यह माइनॉरिटी है यह मेजॉरिटी है, भाजपा कभी इस विचार पर विश्वास नहीं करती है। हमारा बिल्कुल साफ साफ मानना है कि गरीब गरीब है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, और अगर उसका अपलिफ्टमेंट जो भाजपा का सिद्धांत ही है अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, अंतिम व्यक्ति की तरक्की नहीं होगी तब तक इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है। लेकिन और जो बड़ा सवाल है उसका जवाब अभी भी आप नहीं दे रहे हैं, जो विनोद शर्मा ने उठाया, लोकपाल का स्वरूप क्या होगा? लोकपाल का स्वरूप हमारे प्रवक्ता बताएंगे, और 30 मिनट के भाषण में अगर आप यह सोचिए कि सभी चीजों का एक एक डिटेल्स राष्ट्रपति देते तो शायद उनको 24 घंटे का अभिभाषण पढ़ना पड़ता। यह तो एक रोड मैप दिया जाता है, राष्ट्रपति अभिभाषण एक परंपरा है इस देश की, जिसमें हम रोड मैप देते हैं कि कैसे यह फ्यूचर में करेंगे, और जब हम और अपना जब बजट सेशन आएगा तो एक एक बात उसमें क्लियर कट करके रहेगी हमारे बजट सेशन के दरमियान कि किस चीज को कब लागू होगी, किस तरह से लागू होगी और कैसे लागू होगी। उसके लिए एक महीने का इंतजार कर रहे हैं आपके पास इसका जवाब नहीं, लेकिन एक जवाब मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगी, काले धन के मामले में इन्होंने सवाल उठाया, आपकी सरकार ने काले धन के मामले में क्या काम किया ये आप बता दीजिए। और लेकिन जो दूसरा सवाल है जीएसटी को लेकर, इन्होंने कहा है कि हम जीएसटी को इंप्लीमेंट करेंगे जो लगातार विरोध करते रहे, न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील का विरोध करते रहे, लेकिन ध्यान होना चाहिए जीएसटी के जो चेयरमैन थे वह सुशील कुमार मोदी थे जो भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री थे, अगर आपको याद हो यादाश्त आप लोग रखिए, तो वह जीएसटी के चेयरमैन सुशील कुमार मोदी जी स्वयं थे जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। इसलिए यह कहना कि पॉलिसी बिल्कुल डेविएट हो रही है, यह बात है, हमें यह भी याद है कि जीएसटी का विरोध सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रावधानों पर विरोध था, कुछ प्रावधानों पर विरोध था कि आप कैसे शेयर बांटेंगे, और हर हालत में आपको सभी राज्यों को संतुष्ट करना पड़ेगा जीएसटी में, आप एक तरफा कोई कानून नहीं लागू कर सकते हैं, और उस पे जीएसटी का लेकर के कुछ सरकारों का अपना इंटरनल विरोध था कि इस चीज को आप कैसे करेंगे, और उसकी पहले जवाब दीजिए, उसका जवाब जब तक सामने नहीं आता तब तक तो मुश्किल था करना। लेकिन यह कहना कि भाजपा जीएसटी की विरोध कर रही थी, अगर भाजपा जीएसटी की विरोध करती तो किसी भी परिस्थिति में माननीय सुशील कुमार मोदी उसके चेयरमैन नहीं बनते। नहीं, लेकिन जो भी हो विरोध का स्वर आप लोगों की तरफ से उठा था और इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, सरकार नहीं ला पाई। विरोध का स्वर इस सेंस में उठा था कि जीएसटी का मनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, काले धन के संबंध में हमारी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में पूछा, विदेशों में जो काला धन जमा होने की बात कही जा रही है इस पर जांच करने पर यह पता लगा कि लगभग 47 देश ऐसे हैं छोटे बड़े जहां के बैंकों में इस किस्म की काले धन की रकम का जमा होना बताया गया है, पाया गया। इस आशंका के आधार पर सरकार ने एक प्राथमिक जांच करने के बाद ये तय पाया, और उसके बाद उन देशों के साथ हमारे, चूंकि वो स्वयं एक स्वतंत्र देश हैं तो वो आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं मान सकते हैं, बराबरी से आप सबसे बात करेंगे। हमने उनकी सरकारों से बातचीत किया, उनमें से 12 देशों ने हमारी चर्चा के बाद इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वो अपने देशों में जमा काले धन के संबंध में हमको सूचनाएं देंगे। चलिए, ये आपने, लेकिन उसमें एक शर्त लगाई, जो समझौता हुआ हमारा प्रत्येक सरकार से, उसमें उनकी ये शर्त थी कि हम जो भी आपको जानकारी और नाम देंगे
इन पर पूरी जांच और ये सिद्ध होने तक कि ये काला धन है तो आप इन लोगों के नामों को उजागर नहीं करेंगे। हमने तो ये शर्त 31 मार्च 2012 से पहले की आप कोई धन की खोज नहीं करेंगे। एक मिनट, ये आप क्यों भूल रहे हैं? ये इतना बड़ा क्लॉज है जिससे कि आपने सारा सभी के सरकारों का हाथ पैर काट दिया। आप क्यों 31 मार्च 2012 के पहले की खोज नहीं करेंगे पैसे की? ये बिल्कुल गलत है कहना। हम उस खोज के काम को निरंतर जारी रखे रहे। अभी तक जब हमने सरकार छोड़ी तब तक वो प्रक्रिया जारी रही है। सूचना जो एकत्रित की गई, जो हमारे पास जानकारी आई, उस क्लॉज की वजह से हम उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमसे पूछा तो हमने पूरी जानकारी बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, उनके पास है और वो क्लॉज भी सौंप दिया है। आपने इस बारे में सफाई दे दी, उम्मीद है कि संजय जायसवाल जी को ये स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे मित्र और इनके साथ ही हुआ 2012 से पहले कितने पैसे भारतीय जनता अमृता भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कहते रहे कि 2 महीने के अंदर ये 90 लाख करोड़ का काला धन देश में लाया जा सकता है और बटवा करके सारी देश की गरीबी दूर की जा सकती है। अब सरकार में आ गए हैं, अब वो 2 महीने के अंदर नहीं 6 महीने के अंदर ला करके दिखाएं। तब विनोद शर्मा जी को शामिल करना चाहती हूँ। विनोद शर्मा जी, आपने जो 3-4 मुद्दे गिनाए थे उनमें से किसी का भी कोई ब्लूप्रिंट अभी लगता नहीं है कि संजय जायसवाल जी के पास है। मैं नहीं जानती कि बीजेपी के पास है या नहीं, लेकिन आपके पास तो फिलहाल सरकार हमारे प्रवक्ता उस बातों को रखेंगे जाहिर बात। लेकिन जो 2-4 बातें जो वादे किए गए हैं उनमें से मैं गिराना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने बिजली 24 घंटे सबको बिजली देने की बात कही है। अभी देश में 42,428 मेगावाट बिजली की कमी है। पानी 18 करोड़ 60 लाख घरों में नहीं पहुंचता है। गरीबी की रेखा के नीचे 27 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी रह रहे हैं। बेघर लोगों की संख्या भी बेतहाशा है। बेटी बचाओ के अभियान में भी सालाना 216 बेटियां कोख में मार दी जाती हैं। ये वो चैलेंजेस हैं जिन्हें उन्हें पूरा करके दिखाना मुश्किल तो होगा ही, हो सकता है वो पूरा कर ले 5 साल में, लेकिन कम से कम एक बड़ा और मुश्किल सवाल है। अब यहाँ से आगे आप बीजेपी की राह कैसी देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अभी बहुत वाद विवाद हुआ हमारे दोनों मित्रों के बीच में काले धन पर, और इस वार्ता से लगता है और पूरी जो डिस्कोर्स काले धन पे रहा है उससे लगता है कि काला धन सिर्फ विदेशों में है, हमारे देश में तो सब धन सफेद है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि काले धन को जो निकालने का फोकस है जी, वो सिर्फ विदेशों में ही क्यों है? अगर मुझे याद है कि आडवाणी जी के तत्वावधान में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने लिख के दिया था हाउस के दोनों चेयरमैन को कि हमारे हम ये अंडर ओथ ये स्टेट करते हैं कि विदेशों में हमारा कोई काला धन नहीं है। वही ओथ वाली अंडर ओथ स्टेटमेंट हम ये भी इनसे चाहते हैं कि हमारा इस देश में कोई काला धन नहीं है। देखिए, इस देश में तो हमको किसी से परमिशन लेनी नहीं है कि भाई आप वो डिस्क्लोज करने हैं नाम या नहीं करने हैं, आप जाइए और काला धन निकालिए। लाकड़ा वाला कमेटी बहुत बरस पहले बनी थी, मैं जानता हूँ दोनों मेरे दोस्तों को याद होगा, और उन्होंने इसमें बड़ा तफसील से लिखा था कि हमारे देश के भीतर कितना काला धन है। और दूसरी बात देखिए, ये जो आज के दिन बार बार ब्यूरोक्रेसी को प्रधान बनाने की चेष्टा हो रही है, मैं थोड़ा सा स्वयं विचलित हूँ उससे। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री का ये फोकस है तो ज़रूर अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा उनके गुजरात के, और हम अपेक्षा करते हैं कि शायद इसके चलते डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए। लेकिन किसी भी डिसीजन मेकिंग में ड्यू डिलिजेंस की बहुत ज़रूरत होती है, और वो ड्यू डिलिजेंस जो होती है वो कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के जरिए आती है, और जब फिर पॉलिसी पार्लियामेंट के पास जाती है तो और ज़्यादा टेम्पोराइज होती है और इंक्लूसिव बनती है। तो देखो, सिंगल विंडो क्लियरेंस की जो बात हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ हब एंड स्पोक्स मॉडल जो आज राष्ट्रपति के जरिए कहलाया गया, ये हब एंड स्पोक्स मॉडल इस पर एक मैं समझता हूँ विस्तृत चर्चा पार्लियामेंट के भीतर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्कस होगा ये प्रधान ये राष्ट्रपति का भी भाषण पार्लियामेंट में इसमें डिटेल डिबेट होने वाली है जी। और उस वक्त सरकार को सारे जो स्पष्टीकरण है जवाब है वो देने पड़ेंगे पार्लियामेंट। और अभी पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा बाकी है विनोद जी, वही तो मैं कह रहा हूँ जी। तो आज के दिन मैं समझता हूँ अभी से तैयारी भारतीय जनता पार्टी को शुरू करनी पड़ेगी इस पे, क्योंकि इस पे जल्दी ही बहस होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि जो लोकपाल वाली बात है उसमें
और फियर्सली इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस जिसमें कि प्रधानमंत्री के तत्वाविधान में उसमें विरोधाभास है। देखिए हमें भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इंस्टीट्यूशन खड़े करने हैं, हमें भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक वर्क कल्चर इस देश में इनकलकेट करना है, और वो जो है वो व्यक्ति प्रधान नहीं हो सकता, लेकिन वो व्यक्ति प्रधान कभी भी नहीं हो सकता जी, लेकिन इसका उसको आपको एक सिस्टमिक तरीके से बिछाना है जी, और उसी में सब बिल्डिंग करना लेकिन है कि मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम सवालों का जवाब पार्लियामेंट कोई में बहस की हिम्मत नहीं होगी भ्रष्टाचार करने की। मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम सवालों का जवाब पार्लियामेंट में बहस के दौरान जरूर आएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। और ये थी आज की हमारी पहली खबर।